please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. वो हिंदी बोलते हैं, उनके पुरखे बरसों पहले देश के अलग अलग इलाकों से जाकर असम में बस गए थे, लेकिन एक दिन सरकार ने एक मसौदा जारी किया और अचानक कई हिंदी भाषी लोगों की भारतीय नागरिकता पर सवाल खड़े होने लगे। न्यूज 18 इंडिया ने असम में रहने वाले उन हिंदी भाषियों से मुलाकात की तो उनका दर्द बाहर छलक आया। यहां कई ऐसे परिवार हैं जिनके घर के किसी सदस्य का नाम नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स में नहीं है। दिलकेश्वर झा, हमारे परिवार में एक भी आदमी का नाम नहीं आया है, जबकि हमारे चारों दोनों लड़का दोनों लड़की यहीं पैदा हुई है। रामचंद्र सिंह, हम लोग पूरा फैमिली का चार आदमी का नहीं आया है, भाई का और भतीजे का आ गया। सौभाग्य सिंह गंगवार, सिर्फ एक हमारा पोते का नाम आया है, बाकी हमारा कोई सदस्यों का किसी का नाम नहीं आया है। अभी हमको नया सिरा से वापिस बोला आपको भरना होगा। ऐसे ना जाने कितने लोग आज असम के अलग अलग इलाकों में हैरान परेशान हैं। ये वो हिंदी भाषी लोग हैं जिनके पुरखे हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों से जाकर सालों पहले असम में बस गए। यहीं पर वो पले बढ़े, रोजगार जमाया, घर बसाया और बच्चों को बड़ा किया, लेकिन आज उनका नाम उस मसौदे से गायब है जो उन्हें भारत का नागरिक साबित करे। NRC यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स का दूसरा मसौदा 30 जुलाई को जारी हुआ और पता चला कि उसमें 40 लाख लोगों के नाम नहीं। ऐसे ही एक शख्स हैं दिलकेश्वर झा। दावा है कि इनका पूरा परिवार 1970 से पहले बिहार से असम आ गया था। NRC में रजिस्ट्रेशन के लिए इन्होंने सभी जरूरी दस्तावेज जमा किए थे, इसके बावजूद नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स में इनका नाम नहीं है। 67 का जब 71 का मांगते हैं तो 67 का तो हमारे पास में खुद का मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, तो वो हम दिए हैं, लेकिन हमारा नाम इसमें नहीं आया है। तो अब आपका नाम नहीं आया तो ये तो तमाम भारतीय नागरिकों की एक लिस्ट बन रही है जो कि असम में रहते हैं या असम में काम करते हैं, क्यों आपका नाम नहीं आया? आपने क्या डॉक्यूमेंट्स जिस तरह से मांगे थे वो सारे डॉक्यूमेंट नहीं दिए थे? ना, हम तो अपने अनुसार तो सब दे दिए हैं। अब वो लोग बताएंगे जो हाँ किस तरह का, मान लीजिए हाँ आपका क्यों नहीं आया है, उसके लिए तो वो लोग 7 तारीख का डेट निश्चित किए हैं। NRC में रजिस्ट्रेशन का नियम कहता है कि नागरिकता साबित करने के लिए उस शख्स को 24 मार्च 1971 से पहले का ऐसा दस्तावेज दिखाना होगा जिससे साबित हो सके कि उसके पुरखे हिंदुस्तान में रहते थे, वो चाहे जिस भी राज्य में रहते। दिलकेश्वर झा के पास मौजूद दस्तावेज बताते हैं कि उन्होंने 1967 में बिहार से 10वीं की परीक्षा पास की थी, लेकिन ना तो इनका नाम NRC के ड्राफ्ट में है ना इनके परिवार के किसी और सदस्य का। आपके परिवार में बाकी लोगों का नाम आया है? बाकी नहीं, हमारे परिवार में एक भी आदमी का नाम नहीं आया है, जबकि हमारे चारों दोनों लड़का दोनों लड़की यहीं पैदा हुई है, यहीं से पढ़ कर करके आज एक LLB कर ली है, एक BSc कर ली है, सब यहीं से की है, जिसका सबका मैट्रिक का सर्टिफिकेट हम ये किए हैं। तो ऐसे हजारों परिवार हैं जिनका जो बाहर के स्टेट से दूसरे स्टेट से जो यहाँ पर आए भारतीय नागरिक हैं, उन्होंने 71 से पहले के अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स दिए कि वो भारतीय नागरिक हैं, उसके बावजूद इस ड्राफ्ट में उनका नाम नहीं है और ये डॉक्यूमेंट अब इंतज़ार कर रहे हैं कि 7 तारीख के बाद ये डॉक्यूमेंट दोबारा से अपने वेरीफाई कराएं, कोई को डॉक्यूमेंट की कमी है तो वो डॉक्यूमेंट दें। NRC का मकसद ऐसे लोगों की पहचान करना था जो भारतीय नागरिक नहीं है। इसके लिए एक तारीख तय की गई, 24 मार्च 1971। इस तारीख से पहले का कोई दस्तावेज दिखाने पर उस शख्स को भारतीय नागरिक माना जाएगा। जाहिर है अगर किसी का जन्म इस तारीख के बाद हुआ है तो उसे अपने पिता का 24 मार्च 1971 से पहले का दस्तावेज दिखाना होगा और साथ में दोनों के संबंध को बताने वाला कागज भी जमा करना होगा।
लेकिन बात जितनी सीधी दिख रही है उतनी है नहीं। रामचंद्र सिंह ने अपने पिताजी के नाम के 1965 के दस्तावेज दिए थे। अधिकारियों ने घर आकर पड़ताल भी की थी, लेकिन जब ड्राफ्ट जारी हुआ तो ये देखकर सन्न रह गए कि परिवार के चार लोगों के नाम एनआरसी में नहीं है। हम लोग पूरा फैमिली का चार आदमी का नहीं आया है, भाई का और भतीजे का आ गया है। तो कब से आप लोग यहाँ पर हैं? हम लोग तो हमारा पिताजी चाचा लोग थे यहाँ पर, बहुत पहले से पुराने थे, लेकिन हम यहाँ 83 से और इस जगह में हम 92 से। रामचंद्र सिंह के मुताबिक उनके भाई ने वही दस्तावेज जमा किए थे जो उन्होंने दिखाए थे, लेकिन भाई का नाम एनआरसी में आ गया और वो नागरिकता सूची से बाहर कर दिए गए। हमारा बड़े भैया का वो कब से यहाँ पर है? वहाँ तो 2000 के बाद में है वो। और उन्होंने क्या डॉक्यूमेंट दिया था? यही जो हम लोग दिए थे, वही पिताजी का कागज दिए थे और अपना जो डॉक्यूमेंट था वो दिए थे। हम गुवाहाटी के इस वक्त एक व्यस्त चौराहे पर खड़े हैं, बाजार है ये यहाँ पर पूरा, और इसको जानते हैं एमएस रोड के नाम से, मुरलीधर शर्मा रोड के नाम से इस सड़क का नाम है। और मुरलीधर शर्मा कौन है, हम उनके परिवार से आपका रब्ता करा दें। हमारे साथ उनके ग्रेट ग्रैंडसन मौजूद हैं। हाँ, आपके परदादा थे मुरलीधर शर्मा जी? ग्रेट ग्रैंडफादर। तो ये कितना टाइम से आप लोग यहाँ पर हैं असम में? हम लोग 200 साल से है असम में। 200 साल से आप लोग यहाँ पर हैं। तो आपके परिवार में भी कोई ऐसा है कि जिसका एनआरसी के लिस्ट में नाम नहीं है? हाँ, मैं हमारे परिवार के कई जो मतलब मेरे आंटी है, मेरी वाइफ है, उनका किसी का नाम नहीं है। एनआरसी के नियमों के मुताबिक खुद की नागरिकता साबित हो जाने भर से पत्नी की नागरिकता साबित नहीं होगी। इसके लिए पत्नी या उसके परिवार का 24 मार्च 1971 से पहले का दस्तावेज पेश करना जरूरी है। लेकिन असम में ऐसे कई परिवार हैं जहां पति पत्नी में से किसी एक की नागरिकता साबित हो चुकी है लेकिन दूसरे का नाम एनआरसी से गायब है। उनके जो फादर का जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का डॉक्यूमेंट वगैरह है, ट्रेड लाइसेंस वगैरह है, जैसे राजस्थान का है, शिवलॉन्ग टू राजस्थान, तो वहाँ के डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो लगवाए थे। और इनफैक्ट उनके फादर का भी यहाँ पे शॉप है और उनका आ चुका है, लेकिन मेरी वाइफ का नहीं आया। तो आपकी वाइफ के फादर भी यहाँ के नागरिक हैं लेकिन आपकी वाइफ यहाँ के नागरिक नहीं है। एनआरसी में जिनका नाम नहीं है वो तो परेशान है ही, जिनका नाम आ चुका है वो भी बेफिक्र नहीं है। हम कुछ सामान लेने के लिए यहाँ एक जनरल स्टोर पर रुके थे और यहीं पर हमें ये जनाब मिल गए जो कह रहे हैं कि एनआरसी को लेकर के ये भी आजकल काफी परेशान है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सुभागमल गंगवाल। सुभागमल जी, क्या आपकी क्या समस्या, आप कागज लेकर के घूम रहे हैं? हमारी समस्या यह है कि 1 दिसंबर का जो एनआरसी आया था उसमें हमारा परिवार का सातों मेंबरों का नाम आ गया था। देखिए, ये इनके सातों परिवार के जो सदस्य हैं उनका नाम जो फर्स्ट एनआरसी लिस्ट आई थी उसमें इन सातों मेंबर्स का नाम आ गया था, और अब इनकी समस्या ये है कि जो सेकंड लिस्ट आई है उसमें कुछ गड़बड़ हो गया सर। सौभाग्य सिंह गंगवाल के परिवार के सभी सातों लोगों के नाम एनआरसी के पहले मसौदे में शामिल थे जो 31 दिसंबर 2017 को जारी हुआ था, लेकिन 30 जुलाई 2018 को जारी हुए दूसरे ड्राफ्ट में इनके परिवार के 6 सदस्यों के नाम गायब है। मौजूदा ड्राफ्ट में अब सिर्फ इनके 8 साल के पोते का नाम रह गया है। गड़बड़ हो गया, उसमें सबका नाम कट गया, सिर्फ एक हमारा पोते का नाम आया और बाकी हमारा कोई सदस्यों का किसी का नाम नहीं आया। अभी हमको नया सिरा से वापस बोला है आपको भरना होगा। कितनी उम्र का है आपका पोता? हमारा पोता का उम्र है 8 साल। 8 साल का पोता है, तो ये तो कहते हैं कि लीगेसी देख रहे हैं इस लिस्ट में कि कोई 71 से पहले का परिवार का कोई लिंक होना चाहिए। लिंक मेरा होगा। हाँ, तो आप ही का नाम नहीं है तो पोते का कैसे आ गया 71 से पहले का? यही तो देखने वाली बात है। हमारा नाम फर्स्ट, हमारा लीगेसी डाटा दिया हुआ था हमारा। हाँ, तो उसी हिसाब से पोता का भी दिया हुआ था। हाँ, तो हमारा नाम तो सेकंड लिस्ट में कट गया, अपन पोता का रख दिया। विजित नाथ को तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर उनकी माँ का नाम एनआरसी के मसौदे में क्यों नहीं है। दावा है कि उनका परिवार 2 सदी से असम में रह रहा है,
उनके परिवार के लोगों ने आजादी की लड़ाई में भी हिस्सा लिया था, लेकिन आज नागरिकता पर सवालिया निशान लग रही है। फर्स्ट टाइम जब लिस्ट निकले थे तब सिर्फ मेरा नाम आया था, इस टाइम जब निकला है सबका नाम है। मेरा पिताजी का नाम भी है, भाई का नाम भी है, मेरा मिसेस का भी नाम भी है। मेरा मिसेस का भाई का जो मतलब मिसेस है उनका भी नाम है, लेकिन सिर्फ मेरा माँ का नहीं है। आपकी मदर का नाम नहीं है। और आपका परिवार कब से यहाँ रहता है? मतलब सिंस फ्रॉम बर्थ, मतलब जन्म से इधर में ही है। मतलब दादाजी भी था, दादाजी फ्रीडम फाइटर था। अब आलम यह है कि जिन लोगों के नाम एनआरसी के ड्राफ्ट में नहीं है वो जरूरी दस्तावेज जुटाने के लिए भागे भागे फिर रहे हैं। इसका सीधा असर रोजमर्रा के कामकाज पर पड़ा है। बाजारों से रौनक गायब है, दुकानदार परेशान हैं, क्योंकि लोग बाजार आने के बजाय अपने परिवार के सदस्य को एनआरसी से जोड़ने के लिए कागजात ढूंढने में लगे हैं। हमारे साथ यही शॉपकीपर हैं निर्मल जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। क्या आपको लगता है कि आप कह रहे हैं कि यहाँ पर बाजारों में रौनक नहीं है, क्या फर्क पड़ गया एनआरसी के लिस्ट आने से? फर्क तो आपको मतलब प्रत्यक्ष तो आप अपने आंखों से देख ही रहे हैं। जिस रास्ते में गाड़ी तो दूर, लोगों के पैदल चलने में बड़ी मुश्किलें होती थी, उस रास्ते में आज खाली पड़ा है। आज पूरा का पूरा बाजार में सन्नाटा फैला हुआ है, चारों तरफ बाजार मार्केट पूरी तरह बैठ चुका है। नहीं, लेकिन मार्केट तो चलता है पैसे से, ये एनआरसी के लिस्ट का मार्केट से क्या लेना देना, ये समझाइए थोड़ा सा हमें। एनआरसी मार्केट पैसे से ही चल रहा है ऑब्वियसली, किंतु पैसे भी एक इशू है, लेकिन प्लस एनआरसी को लेकर लोगों के अंदर में बहुत किस्म की भ्रांतियाँ फैली हुई है। लोग पूरे पजल होके रखे हैं, अपने अपने डॉक्यूमेंट्स लेके कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। एक अनुमान के मुताबिक पश्चिम बंगाल के करीब 1 लाख, बिहार के तकरीबन 1 लाख, राजस्थान के 50,000 और चाय बागानों में काम करने वाले करीब 3 लाख लोगों के दस्तावेज वेरीफाई नहीं हो पा रहे हैं। हिंदी भाषियों की गंभीर समस्या का फायदा उठाने के लिए कुछ संस्थाओं ने तिकड़म लगानी शुरू कर दी है। हिंदी भाषियों की संस्था पूर्वोत्तर हिंदुस्तानी सम्मेलन का कहना है कि अगर एनआरसी की लिस्ट में अपना नाम शामिल कराना है तो इस संस्था की आजीवन सदस्यता ले लेनी चाहिए। असम में एनआरसी लिस्ट के सबसे बड़े शिकार हिंदी भाषी प्रदेशों से आए लोग हैं, जो वहां के अपने दस्तावेज तो दे रहे हैं लेकिन उनके आधार पर एनआरसी की लिस्ट में शामिल होना उनके लिए खासी मशक्कत बना हुआ है। और इसी का फायदा अब कुछ संगठन उठा रहे हैं और कुछ इस तरीके से उठा रहे हैं कि आप देखिए कि ये इस तरीके के इश्तिहार यहाँ पर निकाले गए हैं, जिसमें अगर आप नीचे देखेंगे तो लिखा हुआ है कि आपको आजीवन सदस्य होना, इस संस्था का आजीवन सदस्य होना। असम में हिंदी भाषियों के खिलाफ हिंसा का इतिहास रहा है। इन लोगों को चिंता सता रही है कि सालों की शांति के बाद कहीं एनआरसी के जरिए इन लोगों को दोबारा निशाना तो नहीं बनाया जा रहा। रमन जी, कितने सालों से आप लोग यहाँ पे हैं? एक तरह से मेरा जन्म ही यही हुआ है। सन 1977 में मेरा जन्म हुआ था और मेरे पिता यहाँ 1960 से। तो एनआरसी लिस्ट में आपका नाम है? जी नहीं, मेरा नाम नहीं है, जबकि हमने सब लीगल वैलिड डॉक्यूमेंट जो है, जो रिक्वायरमेंट था एनआरसी प्रतिपक्ष का, मैंने उसे जमा करवाया था। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये इस तरीके के इश्तिहार जो हैं, एक पूर्वोत्तर हिंदुस्तानी सम्मेलन नाम की कोई संस्था है, उसने तो इश्तिहार जारी किया है कि एनआरसी लिस्ट में हिंदी भाषियों का नाम संलिप्त करवाने हेतु पूर्वोत्तर हिंदुस्तानी सम्मेलन का आजीवन सदस्य होना आवश्यक है, ऐसा कुछ है क्या? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये दुर्भाग्यजनक है। संस्थाएं अगर ऐसा कर रही है तो ये गलत है। गुवाहाटी समेत असम के अलग अलग इलाकों में देश भर से लोग आकर रहते हैं, यहाँ कारोबार करते हैं। अब इन लोगों से 1971 से पहले यहाँ रहने का प्रमाण मांग लिया गया। ये लोग अपने अपने राज्यों से भारतीय होने का प्रमाण पत्र देते रहे, लेकिन एनआरसी के लिए इन सबूतों को वेरीफाई करना आसान नहीं है। सबूत उन राज्यों को भेजे जाते हैं लेकिन वहाँ की सरकारें जवाब दें ये जरूरी नहीं। ऐसे में इनके नाम एनआरसी के मसौदे से काट दिए गए।